अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खरगोन शहर जिला अस्पताल में पहुंची असहाय अज्ञात वृद्धा, समाज सेवियों ने वृद्धाश्रम पहुंचाने की कराई व्यवस्था। विगत दिवसों पूर्व खरगोन जिला अस्पताल ट्रामा वार्ड में एक वृद्धा को 108 एम्बुलेंस से लाया गया, जिसका अस्पताल एमएलसी के अनुसार नाम साराबाई निवासी गोगावा के समीप बताया जा रहा है। शहर के समाज सेवी संस्थान खुशहाली सेवा संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता चौधरी के संज्ञान में मामला आने के पश्चात उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुबह से जाकर सारा मामला समझा और सिविल सर्जन एवं सामाजिक न्याय कल्याण विभाग से एल्डर हेल्प डेस्क अधिकारी के साथ वृद्धा आश्रम भेजने की कार्रवाई को पूर्ण करवाने के निर्देश देकर सेवा कार्य संपन्न किया। इस दौरान संस्था उपाध्यक्ष रमाकांत पटेल, साथ ही सूचना देने वाले रवि तांबरकर एवं वरिष्ठ समाज सेवी कुबेर जोशी आदि मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। यहाँ पर कल रात को मुझे 8:30 के लगभग एक सूचना मिली श्री कुबेर जोशी सर के द्वारा। मुझे सूचित किया गया कि अस्पताल में एक वृद्ध महिला है, अज्ञात वृद्ध महिला, जिसका कोई परिजन नहीं है, कोई सूचना नहीं मिल रही है। तो सुबह हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और सारी जानकारी निकाली। वो वृद्ध महिला मानसिक रूप से तो स्वस्थ है, शारीरिक थोड़ी सी उनको परेशानी है, थोड़ी सी वीकनेस है, कमजोरी लग रही है और सड़क सड़क के चल पाती हैं, वो खड़े होकर नहीं चल पाती हैं। अब क्या किया जाएगा इनके लिए? इनके लिए जैसे ये जब हमको जानकारी मिली तो तुरंत मैंने जो एल्डर लाइन हेल्पलाइन होती है वहाँ के प्रभारी श्री विजय सोलंकी जी हैं, उन्हें मैंने सूचित किया और उन्हें बताया कि एक ऐसी अज्ञात वृद्ध महिला मिली है, तो उनके लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं जी। अब अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम ये है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेटर जैसे ही मिल जाता है तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट, खरगोन।